उपखंड के बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत पिदावली में ग्राम सेवा सहकारी समिति में धांधली का बड़ा मामला सामने आया है। किसानों ने लोन नहीं लिए, लेकिन राजस्थान वेब पोर्टल पर ऋण माफी की लिस्ट चस्पा दी गई है, जिसे देखकर किसानों के होश उड़ गए। किसानों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम सेवा सहकारी समिति के सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मामले की जांच कराने की मांग की है। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि ऋण के लिए ग्राम पंचायत पिदावली की सेवा सहकारी में ऋण के लिए आवेदन किए थे, लेकिन किसानों को ऋण स्वीकृत नहीं किए गए। फसली ऋण की फाइल समिति के कार्यालय में ही जमा थी। सत्ता परिवर्तन के बाद जैसे ही राज्य की गहलोत सरकार ने किसानों के 2 लाख तक ऋण माफी की घोषणा की, तो करीब 15 दिन बाद ही ऋण माफी के संदेश मिलने लगे। किसानों ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने समिति में जमा फाइलों पर लोन स्वीकृत करा लिए और किसानों को जानकारी दिए बिना ऋण की राशि को उठा लिया। किसानों ने जब जानकारी ली तो पता चला कि बिना लोन उठाए माफ भी कर दिए। किसानों ने सीधा आरोप लगाते हुए समिति के सभी पदाधिकारियों ने साठ गांठ कर करोड़ों की राशि ऋण स्वीकृत करा लिए, जिसकी राशि खुद रख ली। अब मौजूदा समय में ऋण माफी की राजस्थान वेब पोर्टल पर लिस्ट चस्पा दी। 4 दर्जन से अधिक ग्रामीण महिला पुरुषों की भीड़ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जांच के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम कुलदीप सिंह राजावत है, ग्राम बिलोनी पोस्ट पिदावली के पास में दूलखा नगरा में सोसाइटी हमारी गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उठाई है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारा पैसा दिया जाए। गलत तरीके से फर्जी काम किया है इन्होंने, जितने पैसे लिए उससे ज़्यादा पैसे बोल रहे हैं, उतने पैसे मिले नहीं हैं और पैसे लेने जा रहे हैं तो पैसों को दे नहीं रहे हैं। कह रहे हैं 2,000 रुपये ले जाओ या 5,000 रुपये ले जाओ और ज़्यादा कुछ कह रहे हैं तो उल्टा सीधा बोलते हैं। नाम विजय सिंह कास्ट बिलोनी। ये समस्या है कि रामबाबू सेठ अफजलपुर का जो सहकारी बैंक के सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने सभी ग्रामवासियों के ऊपर जो भी लोन है जो बिना पूछे बताए उनके ऊपर लोन निकाल लिया है और जो अब उनके पास लेने जाते हैं तो मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि 10,000-5,000 रुपये ले जाओ अपने घर बैठो, नहीं तो गाली गलौज करते हैं। और सभी गाँव वाले कह रहे हैं कि या तो हमारी समस्या का हल हो नहीं तो हम ऊपर तक और कार्रवाई करेंगे। सहकारी समिति यहाँ सहित महेश सेक्रेटरी ने हमारा करीबन 2 करोड़ को घोटाला करे, जो किसान की छूट आई है वो सुतई बाने उठाए गए और सुतई खुदई का है भाई ले चुके हो किसान पर काउ पर छूटना पड़े, मतलब आप तक लाभ नहीं पहुँचा। हाँ किसान पर लाभ पहुँचो ही ना, और कछु किसान बामे ऐसे हैं कि वो मतलब कहा है थे अभी ऋण बिन पर बात ही चल रहा। कितने लोग फंसे हुए इस मैटर में? करीब 500 550 के लगभग। हाँ एडीएम साहब और कलेक्टर के पास शिकायत आई है लोन के बारे में, क्योंकि हम जांच करवा रहे हैं। वैसे हमारे भरतपुर एडिशनल ऑफिस से भी इनके लिए जांच अधिकारी लगा दिए गए, जो भी सामने आएगा वो जांच के बाद ही सामने आएगा कि क्या स्थिति है क्या होना। धौलपुर में भाजपा के नेता और संगठन पदाधिकारियों ने शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी, 10% सवर्ण वर्ग आरक्षण और बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिए जाने के आरोप लगाए हैं। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता में आने के बाद मुकर गई। किसानों की मात्र 2 लाख तक की कर्ज माफी की घोषणा की है, किसानों को गुमराह किया गया है, जबकि कांग्रेस ने संपूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की थी। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है, चुनाव से पूर्व संपूर्ण ऋण माफ करने का आश्वासन दिया था, साथ में युवा बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सरकार वादे से मुकर गई। विधायक ने कहा अगर सरकार किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी सवर्ण को 10% आरक्षण और बेरोजगारी भत्ते पर गंभीर नहीं हुई तो 8 फरवरी से जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सांसद मनोज राजौरिया सहित संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारा आंदोलन हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी के टीम के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो कर्जा माफी की मांग जो थी वो कांग्रेस वालों ने कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे और युवाओं को
बेरोजगार भत्ता 3500 रुपए देंगे, लेकिन 10 दिन का क्या पूरा महीने से ज्यादा बीत गया, लेकिन अब तक ना तो कर्जा माफ हुआ और ना ही बेरोजगार भत्ता हमारे युवा भाइयों और बहनों को दिया गया। इसका हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और 8 तारीख को हम लोग जेल भरो आंदोलन में सभी लोग शरीक होंगे। बस इतना ही कहेगा। एक मिनट, आज के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने ये घोषणा की थी कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और केवल उन्होंने बड़ी गिनती गिन करके कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कर्जा माफ 10 दिन में हम कर देंगे, लेकिन आज लगभग 1.5 महीने की सरकार बन गई कांग्रेस की। ये झूठ बोल करके उन्होंने और किसानों को गुमराह किया और उन्होंने वोट लिए, लेकिन किसानों का कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ। जब हमारे विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता कटारिया जी ने उनसे सवाल पूछा कि भाई कर्जा माफ क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमने एक आयोग कमेटी बना दी है, उससे हम जांच करवा रहे हैं। अरे जांच किस बात की करवा रहे हो भाई, आपने तो वायदा किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि पत्र दिया कि हमने मोदी जी के लिए पैसा मांगा है मोदी जी से कि पैसा भेज देंगे तो कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन फिर हमारे नेता ने कहा कि भाई मोदी जी से उस समय तो आपने पूछा नहीं कि हम कर्जा माफ करें या नहीं करें, अगर मोदी जी पैसा भेजेंगे तो फिर मोदी जी कर्जा माफ कर रहे हैं, फिर कांग्रेस सरकार कहाँ है कर्जा माफ कर रही है। इसी तरह से उन्होंने वादा किया था अपने युवा वर्ग के लिए कि हम 3500 रुपये वेतन भत्ता के रूप में बेरोजगार के लिए हम देंगे, लेकिन आज तक एक भी किसी भाई के लिए ये भी उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। तो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के अंदर एक इस तरह का ज्ञापन दे रहे हैं कांग्रेस सरकार को, क्या आप अपने वायदा से नहीं मुकरें, किसानों का कर्जा माफ करें। इसी बात को लेकर के आज यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है, हमने 10 दिन का समय दिया है, अगर वो 10 दिन तक कर्जा माफ की घोषणा नहीं करते हैं पूरा कर्जा माफ, तो फिर हम तारीख 8 को जेल भरो हमारा आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा पूरे प्रदेश के अंदर। और धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने पति की हत्या कर छुपकर घर में बैठी महिला को दस्तयाब कर लिया है। महिला प्रेमी के साथ पति की हत्या कर घर में छुपकर बैठी थी। सैपऊ थाना पुलिस ने हरियाणा पुलिस को सूचित कर सुपुर्द कर दिया है। थाना प्रभारी अभिजीत सिंह ने बताया कि गांव नुनहेरा निवासी नवलदई अपने पति जगन के साथ रोहतक शहर के सेक्टर 3 थाना क्षेत्र अवरण में रहती थी, जहां 27 जनवरी को अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर महिला और उसका प्रेमी शव को रोहतक स्थित बोहर नाके के पास JLN नहर के पास झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे। रोहतक पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर PGI अस्पताल के शवगृह में रखवाया था। पुलिस ने मृतक की शनाख्त सैपऊ थाना इलाके के नुनहेरा गांव निवासी जगन सिंह के रूप में की थी। रोहतक पुलिस द्वारा मामला संदिग्ध लगने पर सैपऊ थाना पुलिस से संपर्क स्थापित किया, जहां आरोपी महिला को घर से दस्तयाब कर लिया। रोहतक पुलिस को सूचित कर महिला को सुपुर्द कर दिया है। मामले में हत्या का दूसरा आरोपी महिला प्रेमी फरार है, जो धौलपुर जिले का बताया जा रहा है। उधर रोहतक पुलिस ने मृतक का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आज सुबह रोहतक थाने से सूचना मिली थी कि वहाँ पे हमारे इलाके के नुनहेरा गांव के 2 पति-पत्नी रहते थे। पत्नी अपने पति की हत्या करके अपने गाँव आ गई थी। इस सूचना पर तत्परता दिखाते हुए थाना पुलिस ने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन से महिला को दस्तयाब कर लिया था। दस्तयाब करने के बाद में रोहतक थाने को सूचना दी थी। सूचना पर वहाँ की टीम आई थी। रोहतक थाने में मुकदमा दर्ज है हत्या और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के संबंध में मुकदमा दर्ज है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तार कर लिया महिला को और बाद गिरफ्तार यहाँ से रवाना हो गए। महिला के साथ अन्य मुलजिम और एक जो हमारे इलाके का ही है वो फरार चल रहा है। धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे के GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में वार्षिक उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर बच्चों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों के द्वारा सामूहिक नृत्य, एकल नृत्य, गायन एवं विभिन्न प्रेरणादायी नाटक प्रस्तुतियाँ दी गयी।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाड़ी विधायक गिरराज सिंह मलिंगा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रथम गुरु माँ बाप ही होते हैं। इसके बाद में विद्यालय के अध्यापकों द्वारा कराई गई मेहनत पर ही बच्चे अधिक अंक हासिल कर पाते हैं। सैंपो उपखंड अधिकारी विनोद मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे जीवन में खेलकूद की भी अहम भूमिका होती है और बताया कि हमारे देश में सबसे अधिक युवा हैं, लेकिन 80% युवा डायबिटीज से ग्रसित हैं। इसका मुख्य कारण खेलकूद एवं शारीरिक परिश्रम की कमी। हमारे देश के युवा खेलों को खेलने की बजाय देखने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड के गांव गढ़ी चटोला में अन्नपूर्णा दूध योजना और पोषाहार में हेरा फेरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। मामले को बढ़ता देख शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पोषाहार प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में पिछले लंबे समय से पोषाहार में धांधली की जा रही है, जिसमें संपूर्ण स्कूल प्रबंधन लिप्त है। आज पोषाहार प्रभारी दूधिया से 20 लीटर दूध खरीदकर लाया था, लेकिन जब पोषाहार रिकॉर्ड में ग्रामीणों ने देखा तो 65 लीटर दर्ज था, जिसे देखकर ग्रामीण भड़क गए और स्कूल में हंगामा कर दिया। हंगामे को देख स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने छात्र छात्राओं को साथ लेकर विद्यालय के मुख्य गेट का ताला बंद कर दिया। ग्रामीणों ने 1 घंटे तक स्कूल प्रशासन को बंद कर हंगामा किया। स्कूल प्रशासन ने मामले की सूचना शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंची शिक्षा अधिकारी कृष्णा ने करीब 1 घंटे बाद ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत कराकर विद्यालय के गेट का ताला खुलवाया। शिक्षा अधिकारी ने पोषाहार से संबंधित सभी रिकॉर्ड और कागजातों की बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रथम जांच में मामले को गंभीर माना गया है। शिक्षा अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है मूलचंद? इसमें मामला ये है कि जो घपलेबाजी पकड़ी हुई दूध की 20 लीटर का 65 लीटर लिख रहे थे, इसकी राजीनामा करने के लिए हमसे पैसों की कह रहे थे, पैसे ले लीजिए कितने लेंगे। 1,00,000 आरोप लगाया कि आपने दूध में गड़बड़ी की, 20 किलो दूध आ रहा है, 65 किलो दूध लिखा है उसमें, शिकायत किया, क्या मामला है? तो जो होगा 65 लिखो होगा, 2-4 लीटर ज्यादा है वो होगा, 50 लीटर 40। नहीं, फिर ऐसे कैसे हो गया? मान लो वो दूध आ रहा है, उतना क्यों नहीं लिखा? बच्चे नहीं पी रहे हैं। नहीं तो रजिस्टर में भी तो कम लिखना था आपको। नहीं तो रजिस्टर में जब आए नहीं भरा लड़का तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सतीश शर्मा, विद्यालय का। हाँ, गाँव वालों का कहना है कि दूध 20-25 लीटर के बीच में आता है और जबकि पोस्टिंग उसमें 52 किलो के 55 किलो के बीच में हो रही है। और इन लोगों ने आरोप भी लगाया है कि आए दिन अध्यापक भी विद्यालय देरी से आते हैं। हाँ, उनका कहना है कि टीचर्स लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। तो कार्रवाई क्या कर रही है? मैं पूरी सब चीज के देखकर और इसके रिपोर्ट बनाकर और उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा के चुनाव जीतने के बाद पहली बार धौलपुर आगमन पर कांग्रेस युवक कांग्रेस एवं NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी की गई एवं 51 किलो की माला के साथ बसेड़ी विधायक का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बसेड़ी विधायक बैरवा ने बताया कि बसेड़ी की जनता ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया है उसका वह पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करेंगे एवं बसेड़ी की बेहतरी के लिए जो भी काम होगा वह किया जाएगा एवं बसेड़ी में रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, ताकि बसेड़ी के युवाओं को रोजगार मिल सके और उनका जीवन खुशहाल बन सके एवं बसेड़ी भी धौलपुर जिले की 4 विधानसभाओं में सशक्त रूप से उभरकर सामने लाने का काम हम अगले 5 साल में करेंगे। इस अवसर पर PCC सदस्य दुर्गा दत्त शास्त्री, लोकसभा महासचिव सत्येंद्र कौशिक, भगवान सिंह कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, सौरभ अविनाश शास्त्री, NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, जीतू कंसाना, विवेक कुमार आरव, निखिल शर्मा, मोंटी यादव, कार्तिक कटारा, श्याम सिंह परिहार, योगेश पंडित, राज शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं प्रशंसक उपस्थित रहे। 29 जनवरी की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देश भर के छात्रों से संवाद करेंगे। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय टाणा धौलपुर के कक्षा 10 के छात्र हरीश त्यागी को प्रधानमंत्री से परीक्षा पर चर्चा विषय पर संवाद करने का मौका मिला है। छात्र के इस कार्यक्रम में चयन से विद्यालय व गाँव में खुशी का माहौल है।
प्रधानाचार्य अखिलेश कुमार श्रीवास्तव व विद्यालय प्रशासन ने छात्र को बधाई दी तथा अन्य छात्रों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सरपंच प्रतिनिधि कुमार पाल ने भी छात्र का सम्मान किया तथा उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय तथा गांव वासियों ने छात्र का स्वागत कर उसे कार्यक्रम के लिए रवाना किया। अवसर पर व्याख्याता महेंद्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक अनिल प्रताप, रामेश्वर प्रसाद, राकेश शर्मा, दिनेश शर्मा, राकेश बाजिया, शिक्षक महेश बघेल, ममता सिंह, जयदेव, लक्ष्मी नारायण, रामस्वरूप मीणा, अंजलि अग्रवाल, विद्याराम, राकेश शर्मा, राजकुमारी, वरिष्ठ सहायक पंकज भारद्वाज, भगवती आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग संगठन के द्वारा धौलपुर के प्रतिभाओं व समाज सेवियों के सराहनीय कार्यों व उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नफीस खान अब्बास ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रशांत अंडावाल एवं विशिष्ट अतिथि के गौरव गर्ग, आजाद अब्बासी, डॉक्टर मनीष दीक्षित, अनूप अस्थाना थे। अतिथियों के द्वारा धौलपुर समाज सेवियों एवं प्रतिभाओं को संगठन का स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन अब्बासी समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता जावेद अब्बास ने किया। इस दौरान आबिद मिर्जा, मुबीन फारूकी, निसार खान, उस्मानी राज अली, निजामुद्दीन पहलवान, अमजद अली, आकाश बघेला, हरदयाल सागर, शुभम मुदगल, पंकज तिवारी, अनीस खान, मुनव्वर मिर्जा, प्रदीप कंसाना, रामेंद्र जाट, शैलेंद्र बघेला, सौरभ यादव, जुनेश अब्बासी, उपेंद्र शुक्ला, सलमान अब्बासी, राम यादव, फिरोज उस्मानी, हासिम खान, गोपेश शर्मा, बंसी बघेला, नदीम खान, रिजवान मिर्जा, दुष्यंत राणा, आसिफ उस्मानी, बॉबी कालीचरण, राज बघेल आदि समाजसेवी उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में राज्य मंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जाटव को शिक्षा के क्षेत्र में वाणिज्य विभाग में जिले की स्थिति सुधारने हेतु ज्ञापन सौंपा। राज्य मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि जिले के सबसे बड़े बालिकाओं के विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अभी तक बालिकाओं के लिए वाणिज्य संकाय शुरू नहीं हो सका है, जिसके कारण वाणिज्य संकाय में रुचि रखने वाली गरीब छात्राओं को मजबूरी में विषय परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि निजी विद्यालय काफ़ी अधिक फीस वसूल करते हैं, जिसके कारण छात्राएं दसवीं के बाद अपना मनपसंद संकाय में प्रवेश ना लेकर कला वर्ग की ओर रुख करती हैं। अतः NSUI मांग करती है कि जल्द से जल्द राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाए एवं अगले सत्र से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य वर्ग शुरू किया जाए, जिस पर राज्य मंत्री द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया। ज्ञापन देने वालों में जीतू कंसाना, जिला मीडिया प्रभारी श्याम सिंह परिहार, ब्लॉक उपाध्यक्ष योगेश पंडित, विवेक कुमार यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमो नमो मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री नंद किशोर शुक्ला के नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर नेहा गिरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से नमो नमो मोर्चा ने भारत सरकार को अवगत कराया है कि राजस्थान सरकार में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में गाजी फकीर के परिवार के सदस्य साले मोहम्मद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, जो कि प्रदेश व देश की सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न कर सकता है। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जैसलमेर पुलिस अधीक्षक पद पर रहते हुए भारतीय पुलिस सेवा के दबंग अधिकारी पंकज चौधरी ने संविधान को सर्वोपरि मानते हुए जिस प्रकार ईमानदारी से अपना किसी दबाव के गाजी फकीर की हिस्ट्री खोल दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप गहलोत सरकार ने देश भावना से ईमानदार अधिकारी पंकज चौधरी का किशनगढ़ तबादला कर दिया और आज भी नीति के विरुद्ध उनका तबादला किया गया है। नमो नमो मोर्चा के पदाधिकारियों ने भारत सरकार से अपील की है कि साले मोहम्मद पर तुरंत कार्रवाई करें एवं साथ ही भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पंकज चौधरी को उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार फील्ड पोस्टिंग प्रदान कर उन्हें बिना राजनीतिक दबाव के कार्य करने का अवसर दें। इस अवसर पर विनोद कुशवाहा, विवेक परमार, शक्ति गुर्जर, योगेश कुशवाहा, सचिन राणा, सोनू कुशवाहा, विक्रम सक्सेना, अनिल त्यागी, राम कुशवाहा, पवन कुशवाहा, ब्रजमोहन कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। भारत तिब्बत सहयोग मंच धौलपुर इकाई की बसेड़ी नगर कार्यकारिणी का विस्तार क्षेत्रीय संयोजक सौरभ सारस्वत के निर्देशानुसार एवं जिला अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा की अनुमति, उपाध्यक्ष केशव सक्सेना की सहमति से बसेड़ी नगर अध्यक्ष विजय गोयल ने नगर उपाध्यक्ष के पद पर गोपाल मामा, दिलीप मित्तल, राकेश परमार, पवन गोयल, कोषाध्यक्ष के पद पर कमल गोयल, महामंत्री के पद पर नीलम गोयल, मंत्री के पद पर तिलक सिंह, बीरेंद्र गोयल, निशु गर्ग, गणेशपुरी मीडिया प्रभारी के पद पर श्रवण कुमार पारासर, IT सेल के पद पर वंदना गोयल एवं नगर प्रचार प्रमुख के पद पर जितेंद्र गोयल को नियुक्ति प्रदान करके किया गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयुक्तालय, कॉलेज
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आज प्रतियोगी दक्षता परियोजना अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं के उद्घाटन की विधिवत घोषणा जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम के आरम्भ में अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर अजय सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि सफलता के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ विद्यार्थियों में लगन, जिज्ञासा, रुचि तथा मार्गदर्शन का अनुसरण करने की रुचि भी होनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह को प्राचार्य डॉक्टर मनरूप सिंह मीणा ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा प्रथम बार महाविद्यालय आगमन पर छात्र संघ अध्यक्ष राजा वेकली द्वारा आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कोचिंग कक्षाओं के सह प्रभारी डॉक्टर पी के सिंह हरिदास मीणा, डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, विष्णु कुमार, विजय राणा, दुर्गेश अमर गोस्वामी, बबलू नीतेश, छात्र संघ उपाध्यक्ष पूजा त्यागी, महासचिव पूजा राजपूत, संयुक्त सचिव अनीता कुमारी सहित महाविद्यालय की अनेक छात्राएं उपस्थित थी। राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 संघर्ष समिति के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष केशव देव शर्मा ने रायाखेड़ा विधायक रोहित बोरा को नर्सिंग भर्ती 2018 को शीघ्र पूर्ण करने के लिए ज्ञापन दिया। विधायक ने आश्वस्त दिया कि चिकित्सा मंत्री से वार्तालाप करेंगे जिससे आपकी सत्यापन सूची जल्द जारी हो सके। ज्ञापन देने वालों में मनोज कुमार, लोकिंदर शर्मा, मनीष कुमार, नीरज तोमर, राजेश कुमार, अरविंद परमार आदि नर्सें साथी उपस्थित हुए।